आज ही कुछ बड़ी स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी करनी है और आपको अपडेट भी देनी है, तो मैंने सोचा पूरी फैमिली इकट्ठे हो गए ही देंगे, तो इसलिए वी आर गोइंग टू माय ब्रदर्स हाउस वेरी क्विकली सो दैट वी कैन शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू गाइस। व्हाई वेरी क्विकली? आई वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम। वी आर गोइंग क्विकली टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। ओके ओके। ओके देखें मम्मी आज बाहर बैठी है कि नहीं बैठी। नो 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 वन्स आउटसाइड टुडे, प्रोबब्ली शी इज वॉकिंग। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? ओह इट स्मेल्स गुड। है ना? व्हाट इज इट? तड़का। क्या बना रही हो मम्मी? राजमा चावल। ओह दिस लुक्स लाइक आवर पैकेज। या दिस इज योर पैकेज। ओके ओके ओपन 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 ओपन। हां जी। ओए होए बड़ी तैयारियां शरी हो रही है भैया। तो क्या बात है? हां मलाई क्या रहा है? दो दिन बाद, दो दिन से हो रहा है, आऊंगा आऊंगा। हां मम्मी मिस कर रही थी दो दिन से। मैंने कहा चलो चक्कर लगाऊंगा थोड़ा। आपको पता है बिजी चल रहे हैं। किस चक्कर में बिजी चल रहा था वो भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, डिस्कशन करें, है ना? ओह माय मानो का न्यू पजामा आ गया माय प्रोटीन का। नाइस। दिस इज माय जैकेट। यस आई ऑर्डर्ड अ विंटर जैकेट, नॉट अ विंटर, इट्स लाइक अ या इट्स लाइक लुक्स लाइक माय फेवरेट वन। नो इट्स गुड। या यार जैकेट मिल रही है माय प्रोटीन की, फटाफट मंगवा ले। मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा इतनी बढ़िया रेट पर लगी हुई थी। गॉट इट गॉट इट। ओके चलो जी, सिपर भी आ गया अपना। तो सारा सामान जी इसलिए हमने मंगाया है क्योंकि अब हमारी अगली ट्रिप शुरू होने वाली है और हम थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे कि कौन सी जगह जाएं। मैं यूरोप का वीज़ा जो है इंडिया से लेके आया था कि बाय चांस यूरोप की बनती है तो वो ऑप्शन हो, मगर हमारे पास हमेशा से दूसरी एक ऑप्शन और थी जिसके ऊपर काफ़ी वज़न आ रहा था और वो थी वो जो कि अभी इंडिया में कम दिखाई दी है यूट्यूब के ऊपर, और वो है साउथ अमेरिका। तो इसलिए हमने सोचा कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की भी ट्रिप लगा सकते हैं। तो बस ऑलमोस्ट हमने वो डिसीजन फाइनल कर ली है और हमने भी फिलहाल सोचा कि यूरोप तो चलो फिर कर लेंगे, काफ़ी सब देख भी चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू साउथ अमेरिका नाउ। गोलियां मम्मी। हाँ वो अल्फा मैन है। अल्फा मैन। हाँ इट शुड फिट यू। दिस इज माइन। हियर बड़ी बोतल मंगवा दे। कौन सी? ठीक है मंगवा देंगे। जो स्विट्जरलैंड सीरीज में मैंने जैकेट पहनी थी ना वो मेरे को अभी तक बहुत बड़ी लगी थी। वो स्टाइल ही मेरे को ब्लैक वाला बड़ा पसंद है और स्पाइडर वाली भी और ये भी। चलो आ गई बढ़िया सिमा स्टाइल। ओके मम्मी मम्मी जितने पुराने मेरे डॉलर वगैरह बच जाते ना जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो निकाल के संभाल के रखती हैं मम्मी। इसमें से डॉलर निकाल के दो, बाकी कुछ चाहिए क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ डॉलर ही कन्वर्ट होगा। और वो जो उसकी सुखी की बहन से मिले थे वो तो तेरे पास ही है ना? वो डॉल वेयर आर द यूएस डॉलर दैट वर गिफ्टेड टू अस बाय सुखविंदर सिस्टर एज अ वेडिंग गिफ्ट। ये क्या क्या पड़ा है? ये देख ले, नेपाल के लग रहे हैं। ये तो नेपाल नेपाल स्विट्जरलैंड भी है। ये तूने स्विट्जरलैंड कहा था ना, शायद यूरोप कर गए जाए तो मैं स्विट्जरलैंड वाले उठा के ले आऊं। मैं ये हंगेरियन है ये। हां चलो संभालो। हाँ भाई फिर तेरी सवारी तैयार है चलने के लिए। भाई देखो जी, एक तो हमारे को मजा भी बड़ा आता है घूमने में, दूसरा हमारे काम की भी रिक्वायरमेंट, तो इसलिए ऐसी बस उड़ारी मारने लगे। हाँ मुझे पता लगा जहाँ तू जा रहा है। हाँ कल ही जा रहा हूँ। तूने तो इंडिया से तो यूरोप का वीजा करा के आया था। हाँ। और अब तूने और जगह तैयार कर लिया। अभी समझाया ना, क्योंकि वो ऑप्शन खुद ही रखनी थी। यूरोप का वीजा मम्मी यहाँ से लग नहीं सकता था, बाय चांस हम वहाँ जाना चाहते यूरोप तो चले जाते, मगर हमको यहाँ थोड़ा लंबा रुकना पड़ गया क्योंकि मोटर होम बेचने का भी विचार बन गया, निखिल आ गया, तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ ज्यादा रुक गए। तो अब यूरोप के लिए टाइम कम बचा तो हमने सोचा साउथ अमेरिका वो आते हैं, प्लस इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नाइसर कंटेंट एज वेल क्योंकि यूरोप लोगों ने बहुत नई नई जगह कवर करनी चाहिए। पर जहाँ जा रहा है उधर इलाका सुना गड़बड़ है, सेफ्टी है, ड्रग्स और माफिया और गोलीबारी। देखो मैं ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, जैसे मेक्सिको के बारे में भी परसेप्शन ये है कि वहाँ पे क्राइम कार्टल ड्रग वगैरह, मगर चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जो न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेता है तो ये हाईलाइट हो जाती है, बट वहाँ भी लोग आम जिंदगी जीते हैं। और तो कहते मेक्सिको कुछ नहीं था वहाँ पे। हाँ। सब बढ़िया था। पहली बार मैं भी डर गया था क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी किसी गांव के बीच में और वो गैंग वाला ही एरिया था,
बट एनीवेज भगवान ने बचाया, सब जगह एक जैसी नहीं होती। ये मेन ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ आप जा रहे हो आप बेवकूफी ना करोगे भाई, रात को आप 1-1.5 बजे अकेले बड़े बड़े कैमरा लेकर निकल जाओ, सोने की चेने पहन के, खतरनाक, क्योंकि गरीबी भी है वहाँ पे और इश्यूज भी हैं, क्राइम भी है, करप्शन भी है, जैसे कि किसी भी आप ये लगा लो डेवलपिंग या लिटल अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर होता है, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। बट कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मर्जी चुक के ले जाए कुछ भी हो जाएगा, बाकी जहाँ लिखी है वहाँ तो इंसान ने खुद ही पहुँच जाना है, तो छोड़ो। ठीक है मम्मी, चेहरे हिलाना जरा उसको, हिलाना जरा मम्मी के, मम्मी का है ना वहाँ रहता है, खाना खराब ना हो जाए। हाँ सुन इधर ये देख उधर ये, हम सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है ठीक, और हमें लगा था कि साउथ अमेरिका में मौसम गर्मी होगी वहाँ पे क्योंकि ट्रॉपिकल है, बट ठंडा गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने फिर जैकेट वगैरह भी मंगा ली, 18-18, 19-19 डिग्री 17 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है वहाँ पे। ये देखो मुझको लंबी वाली चाहिए, लंबी वाली चाहिए, ठीक है फिट तो वैसे आपको भी आ गई, आपको हमारी जैकेट पूरी फिट आ जाती है। नहीं माँ पुत्र मोटे मोटे आपके लिए हम डेडिकेटेड बढ़िया वाली जैकेट लेके आएंगे। हाँ जी, अब बिग अनाउंसमेंट की तैयारी आ गई है, सारे बैठ गए हैं, यहाँ मजलिस लग गई है यहाँ पे। हाँ, आई सिट इन द सेंटर। थोड़ा जी पर्सनल किस्म का डिस्कशन और मैटर है तो इसलिए परिवार पूरा बैठ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अगर आपने नोटिस किया पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस अल्टरनेट डेट डाल रहा हूँ। हमने ये स्टार्ट किया था यूके ट्रिप पे, जबकि गाड़ी भी मुझे चलानी होती थी, शूटिंग की क्वालिटी का भी ध्यान रखना था, एडिटिंग भी होती थी, तो इसीलिए उस टाइम ये करते करते मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ बेस्ट फॉर माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कि मैं अल्टरनेट डे वीडियोस डालूं, क्योंकि उस केस में डेली के डेली कंटेंट के पीछे भागना, रोज सुबह उठ के ये सोचना कि आज क्या फ्रेश या आज क्या नया करूं और अपनी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, वो भी थोड़ा सा कई बार जो है चैलेंजिंग हो जाता है, कई बार लाइफ डल होती है, कई बार बोरिंग होती है, तो अल्टरनेट डेज करने से मेरे को थोड़ा सा जो है टाइम भी मिल जाता है सोचने का, एंड आई होप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इससे थोड़ा सा क्वालिटी में भी या काम में जिस चीज़ में इंप्रूवमेंट आएगी। क्यों जी? भैया वो तो मैंने नोट किया था कि तू हर टाइम ही बोतला रहता था, मेरे को ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम। मम्मी मुझे भी बता रही थी कि मम्मी के ऊपर पड़ा है सोने की तरह, मतलब ट्राई कर रहा है सोने की, पैर चल रहे हैं ऐसे ऐसे, सोची जा रहा है क्या होगा होता है होता है, सो भी नहीं पाता था ठीक से, तो मेरे को तब लगने लगा था भाई ऐसे क्या फायदा, नींद पूरी ना हो ना बंदा उससे भी मोटा होता है। हाँ ये बात भी ठीक है, स्लीप साइकिल, शी ऑलवेज कीप सेइंग स्लीप साइकिल इज नॉट गुड, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू, योर बॉडी अब डाइट कर भी रही हो, द रिजल्ट इज नॉट गुड बिकॉज़ ब्ला 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 whatever, hai na? Yeah, and the thing also is, you know, you've been a one-man show for so long, so it really take a toll on the physical and mental burnout. Health. Yeah. Now I think you're on the right path, and who knows? I mean, I know we know you like daily vlogging. Yeah. It's something you're gonna quit, but let's see. प्रॉबली आगे 4-6 महीने में क्या करेंगे वो तो खैर अभी देखेंगे, मगर एक पॉजिटिव चीज़ इसकी वजह से जो हुई है वो ये कि जो काम मैं हमेशा से करना चाहता था, जैसे अगर आपने मेरी स्विट्जरलैंड सीरीज़ देखी हो जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो तब से मैं ये कहता रहा हूँ कि माई इनिशियल फर्स्ट ड्रीम वॉज टू बिकम अ प्रोफेसर। मेरी ड्रीम है कि मैं पढ़ूँ मैकगिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में हिस्ट्री और इवेंचुअली बन जाऊँ हिस्ट्री का प्रोफेसर, और मेरी जो फेवरेट हॉबी है दैट इज़ एक्वायरिंग नॉलेज एंड शेयरिंग नॉलेज, तो मैं इनसे बात करता रहता हूँ तो मैं दुनिया जहान की हमारी गपशप चलती रहती है, मगर पिछले 1-1.5 साल में वाइल्ड डेली व्लॉगिंग में वो भी ढंग से जो है नहीं कर पाता क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता था, बट अब क्योंकि मैंने पिछले 1.5-2 महीने मेरे को टाइम मिला, सो आई वॉज एबल टू परसू इट एंड स्टार्ट अ न्यू चैनल जो कि मैं जिसमें डेली जो है एक बढ़िया बढ़िया 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टिंग नॉलेज या स्टफ़ या जो हमारे आसपास दिखता है उस पर ध्यान नहीं देते, जो मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने सोचा जी एक अपने नए चैनल की वीडियो अपने परिवार को भी दिखा दूँ, साथ में आप लोग भी देख लीजिए और बताइए कैसी है। हाँ जी देखो जी, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहाँ पे जीन्स पहनना या घर में माइक्रोवेव ओवन रखना दोनों इलीगल है, और कहीं आपके दिमाग में नॉर्थ कोरिया आ गया तो एकदम सही है। भगवान न करे अगर आपके घर में आग लग जाए तो अपने बच्चों को बचाने से पहले किंग जोंग उनकी फोटोज बचाओ, वरना जेल की रोटी खानी पड़ सकती। बाय द वे उनकी फोटो घर में ना रखना भी एक दंडनीय अपराध, और अगर किम भाई की कहीं स्पीच सुनने जा रहे हो तो भाई साहब नींद पूरी करके जाना, क्योंकि अगर स्पीच के दौरान आपकी आंख लग गई तो अगली चीज जो आपको लगेगी वो है गोली। रिपोर्टेडली 2015 में वहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा, और देश के बाहर जाना तो दूर की बात, उनको इंटरनेशनल कॉल्स तक बिना परमिशन के करनी अलाउड नहीं है, बाहर का म्यूजिक नहीं सुन सकते, इंटरनेशनल मूवी नहीं देख सकते, यहाँ तक की खुद की मर्जी का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते। सरकार ने खुद कोई 10-15 हेयर स्टाइल बता रखे हैं कि इसमें से चूज कर लो, और इंडिया जैसा नहीं है कि बिल्लू भैया की शादी है तो बिजली लेने के लिए कहीं भी खंबे में तार
डाल ली। बिजली तक का इस्तेमाल करने के लिए स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी हरकतों पे नहीं, अपने बाप दादा की हरकतों पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक बंदा क्राइम करता पकड़ा गया तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा मिलती है। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल का नाम मैं भी आपको नहीं बताता क्योंकि नाम बताऊंगा तो लोग मिनट में जो है फेक चैनल खोल देते हैं उसी सेम नाम से। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेली 1 मिनट की हम उस पर शॉर्ट वीडियो डाला करेंगे फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम, और शुरुआत भी उसकी हो चुकी है। 15 वीडियोज में डाल चुका हूँ, कई लोगों को पता होगा। एंड दोज ऑफ यू हैवंट सीन इट, यू कैन चेक एंड टेल मी इन द फीडबैक कि भाई उसकी म्यूजिक की वॉल्यूम वगैरह ठीक है, कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं तो शुरू से ही जो है हम उस हिसाब से उसको शुरू कर सकते हैं। सलाद और राजमा राइस। ओह आई डिडंट नो वी वर ईटिंग हियर। या वी आर ईटिंग हियर। ओह नाइस। या द फूड इज रेडी। राजमा आए हाय यू विल फार्ट ऑल नाइट। ओके ओके राजमा नो प्रॉब्लम। खा पी तो हमने लिया जी, बहुत ही बढ़िया सैलड वगैरह ही, मगर मैंने मम्मी को राजमा चावल थोड़ा पैक भी कर दो। हां माता जी रात को खाई जाएंगे, कर दो क्योंकि आज मेरे को थोड़ा लेट सोना है ना, कल निकलना तो तैयारी करनी है। चलो ये तेरी नई वाली वीडियो तो बड़ी अच्छी लग रही है, पर ये है कि तेरा नया चैनल फर्स्ट क्लास चले बढ़िया, मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। अरे वाह, माता जी का आशीर्वाद मिल गया। बाकी जो हमारे देखने वाले हैं उनका सपोर्ट और प्यार तो है। सैंड्रा और तेरी दोनों की बहुत मेहनत है। हाँ जी हाँ जी, दोनों की मेहनत मिलके परमात्मा सफल करे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ मनी ये तो बताओ, मोटर होम का जो ग्राहक आया था तेरा क्या हुआ उसका? मोटर होम वाला ग्राहक आया, उसने ये कहा कि मैं आपको देता हूँ $15,000 जिस कंडीशन में है इस कंडीशन में ले जाता हूँ, कुछ चेक नहीं करूँगा। अच्छा। तो मैंने कहा थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। हाँ। कि हमने 25 का लगाया, 18 का, वैसे तो असली कीमत उसकी 15 में थी। फिर हमने रात को इसके पापा को फ़ोन किया। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई 15 में बिका तो 15 में भेज दो, क्योंकि वो चेक करेंगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा बीच में। वो बंदा हालांकि आके टेस्ट ड्राइव पूरी ले गया था। अच्छा। और उसको ये भी था कि भाई चलो मैंने जो है चला के देख लिया, उसको इंजन का मेन था, इंजन पसंद आ गया, कहता है अंदर के काम तो फिर भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कल बताते हैं। अगले दिन हमने उसको फ़ोन किया, उसने उठाया ही नहीं। उसके अगले दिन उसका मैसेज आया कि यार तुमने ना टाइम ज़्यादा लगा दिया, उस टाइम मैं गर्मा गर्मी में था, अगर तब दे देते तो मैं ले लेता। अब मैं घर आया हूँ, मैंने सोचा इसमें काम बहुत है, मेरा मूड नहीं है। हाँ मगर एक बैड न्यूज़ भी है। हमने फैसला ये किया था कि जाने से पहले मोटर होम को ले जाएंगे मॉन्ट्रियल इसके पापा के पास और वहाँ छोड़ देंगे, वो पीछे दिखाते रहेंगे अगर हम जाते हैं साउथ अमेरिका, अगर नहीं बिका तो। मगर हमने सारी तैयारी करी निकलने के लिए, मोटर होम स्टार्ट किया, सामान डाला, उसके इंडिकेटर फिर बंद हो गए चलने। हमें समझ ही नहीं आ रहा उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अब तो मेरे को ये लग रहा है कि अगर कोई 10-12 हज़ार में भी आगे गएगा ना, मैं कहूँगा जो है भाई ले जा, ऐसे यही कंडीशन है। क्योंकि उसकी छत टूट गई है, अगर उसमें पानी पूनी पड़ गया पूरे इस विंटर में खड़े खड़े, तो अगले महीने वो फिर जंग के आड़ में जाएगा अगले सीजन में। उसको कहीं ऐसी जगह, अभी उसको यहीं छोड़ा है फिलहाल, और अगर कोई आएगा बीच में दिखाने के लिए तो तेरे को हम उसकी चाबी दे जाएंगे, बस उसको चाबी खोल के दिखा दियो, कोई सवाल जवाब पूछेगा तो हम वीडियो कॉल पे देख लेंगे या इसके पापा से बात करवा। कल हमने यहाँ से निकल जाना है और फिर हमारी फ्लाइट है, तो हम शूट करते हैं जी आगे जाके साउथ अमेरिका, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जितना हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो कैसे अलग है, डिफरेंट है, और बहुत सारी चीज़ें जो है साउथ अमेरिका के साथ मिथ भी जुड़े हुए हैं, टैबू भी जुड़े हुए हैं, स्टिग्मास भी हैं, और ये कार्टल्स का, ड्रग्स का, ये सब तो है ही है। देखते हैं नहीं नहीं आप आपका जब मन करे आप फोन कर लेना, आजकल ब्यूटी ऑल्टरनेट डे आ रही है ना। रोज का फोन कर दिया, 2 मिनट को कर। ठीक है, चलो जी, बाकी जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।